नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा, पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का करेगा इंतजार। रक्षा मंत्री ने कहा, बातचीत से ही सुलझाएंगे विवाद। चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध की तैयारी में यूएस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ किया कई प्रतिबंधों की घोषणा। कहा, अमेरिका में कुछ चीनी नागरिकों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश, इन्वेस्टमेंट को भी करना होगा कड़े कानूनों का सामना। WHO पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका ने किया विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में, WHO हमारे मुताबिक सुधार करने में रहा नाकाम। वॉशिंगटन में कोरोना ने अमेरिकियों की बढ़ाई मुश्किलें, अमेरिका में 30% लोग चिंता और डिप्रेशन के शिकार। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के जारी की रिपोर्ट, 23.5% लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मरीज। ताइवान को चीन ने दी युद्ध की धमकी, जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। कहा, एकीकरण के लिए तैयार नहीं हुआ तो होगा हमला। दुबई में 2 महीने बाद खुले पार्क और मनोरंजन स्थल, कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद खुले पार्क, दुबई सरकार ने सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू करने की दी मंजूरी। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ने भरी अपनी पहली उड़ान, 30 मिनट तक आसमान में रहा ये कैरावन। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी मैग्नीएक्स ने किया प्लेन को तैयार। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद काले गोरे पर सियासत गर्म, मिनियापोलिस शहर समेत कई जगहों पर लोगों में आक्रोश। जॉर्ज की हत्या के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जारी किया बयान। अगस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी ने की कार्रवाई, बिचौलिए राजीव सक्सेना की 385 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। मोजर वेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से भी जुड़े हैं तार। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा, पीएम ने देश की जनता के नाम लिखा पत्र, पिछले 1 साल में सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र, तो वहीं 1 साल में किए गए फैसलों को बताया बड़े सपनों की उड़ान। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा, अमित शाह ने कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हमेशा प्रगतिशील रहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जताया आभार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष रहा सख्त, लेकिन कोरोना से लड़ाई के लिए भारत में सख्त फैसले लिए गए। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 3,66,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 26 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,000 के पार, तो अब तक 4,971 लोगों की मौत, वहीं 82,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,000 के पार, राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या राजस्थान में हुई 8,414, वहीं अब तक 185 संक्रमितों ने गंवाई जान, तो अब तक 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना ने किया प्रचंड वार, महज 24 घंटे के अंदर पुलिस के 114 जवान हुए बीमार, वहीं एक पुलिसकर्मी ने गंवाई जान। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक 80 लोगों की मौत, रेलवे ने जारी किया डेटा, कोरोना वायरस की वजह से हुई एक की मौत, तो वहीं अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे 11 लोग। पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी, वहीं जून के दूसरे हफ्ते से सरकारी दफ्तरों में 70% स्टाफ करेगा काम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना और लॉकडाउन को लेकर दिए जवाब, कहा दिल्ली में स्थायी रूप से लागू नहीं कर सकते लॉकडाउन।
पटना के गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई। राबड़ी तेजस्वी समेत 32 नेताओं पर केस दर्ज। लॉकडाउन में हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर पटना पुलिस ने दर्ज किया केस। सिटी एसपी ने दी पुष्टि। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। दो आतंकी ढेर। हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं ये आतंकी। सेना ने बड़ी आतंकी घटना को किया नाकाम। छत्तीसगढ़ में सीएएफ के जवानों ने साथियों पर चलाई गोली। इस हमले में दो जवानों की हुई मौत, वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल। कई दिनों से तनाव में था आरोपी जवान। 11 साल के निचले स्तर पर देश की जीडीपी। इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा माहौल। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी। जीडीपी ग्रोथ 4.2% पर रही। देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज। अब 2 जून को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में अनुच्छेद 1 में बदलाव का निर्देश देने की मांग। ट्विंकल खन्ना ने 46 साल में पहली बार खाया मां डिंपल कपाड़िया के हाथ का खाना। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए की तस्वीर साझा। कैप्शन में लिखा, 46 साल लगे, एक महामारी हुई, लॉकडाउन बढ़ा, तब जाकर मेरी मां ने पहली बार कुछ पकाया। फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट की जारी। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर लिस्ट में रहे टॉप पर, वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय खिलाड़ी। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दी इंग्लैंड दौरे को मंजूरी। सुरक्षित माहौल में हो सकता है टेस्ट मैचों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली के आसार, 8 जुलाई से शुरू हो सकता है मुकाबला। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की सुगबुगाहट। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र, पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। यूपी के हरदोई में सदर मालखाने में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक फॉलोअर समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जेवरात समेत कारतूस किए बरामद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से सनसनीखेज वारदात आई सामने। पति ने अपनी ही पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक देवराज जिले के रीवन गांव का रहने वाला था। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 2 लोगों की डंपर से रौंदने से हुई मौत। दोनों बाइक सवारों की मौत। कोरोना के बीच गुजरात में हिका चक्रवात का खतरा। समुद्र किनारों पर अलर्ट जारी। 4-5 जून को गुजरात पहुंच सकता है चक्रवात। अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते बढ़ा खतरा। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट। देश के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। विभाग के अनुसार फिर बारिश के आसार। देश के ज्यादातर हिस्सों में सुहाना रहेगा मौसम। कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत की मेगा बैठक। वीसी के जरिए मंत्री से सरपंच और सीए से ग्राम सेवक तक करेंगे संवाद। कोरोना टिड्डी नियंत्रण, मनरेगा और पेयजल व्यवस्था पर चर्चा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, हिंदी पत्रकारिता का देश में स्वर्णिम इतिहास रहा। आजादी से लेकर अब तक हिंदी पत्रकारिता ने अहम भूमिका निभाई। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने दी शुभकामनाएं। कहा, हिंदी पत्रकारिता का देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान। आज भी पत्रकार देश की जनता को सही जानकारी देकर देश के निर्माण में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। इकतीस मई के बाद प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा जारी। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया निर्णय। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ रहेगा बंद। राजस्थान में जून में होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्टूडेंट्स के हित में लिया बड़ा फैसला। सीएम गहलोत ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा कराने पर लगाई मुहर। सीकर के दातारामगढ़ में फिर से कोरोना ने दी दस्तक। मां बेटे की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एक साथ 2 पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। वहीं पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उलझे परिजन। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सड़कों पर कानून नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। धान मंडी और प्रशासन की लापरवाही, व्यवस्था के साथ हो रहा खिलवाड़। सड़क किनारे देखी जा रही है 2 किलोमीटर लंबी लाइन। जालौर के भीनमाल में कोरोना राहत कोष कमेटी की ओर से किया गया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रेम राज बोहरा के नेतृत्व में किया गया नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों का सम्मान। तो शहरवासियों सहित सभी कोरोना वॉरियर्स का जताया आभार।
श्रीगंगानगर के घड़साना में श्री अरूट जी महाराज की जयंती के अवसर पर अरुणदावर संस्थान की ओर से कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान, महाराज के चित्र के समक्ष के पुष्प अर्पित, जयंती मनाई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल। झालावाड़ के खानपुर में कोरोना वॉरियर्स का पुलिसकर्मियों का किया सम्मान, लोगों से की घरों में रहने की अपील। कोविड-19 के गाइडलाइन का जयपुर के सांभर में हो रहा उल्लंघन, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से कर रहे अपील, व्यापार महासंघ अध्यक्ष के बड़बोले बोल, कहा कोरोना आए या नहीं आए ये व्यापारी की जिम्मेदारी। जालौर के रानीवाड़ा में क्वारंटाइन किए गए लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के दावों की पोल खोली, क्वारंटाइन सेंटर में रखे लोगों को नहीं मिल रहा खाना, पड़ोसियों से मांगकर भर रहे पेट, क्वारंटाइन करने के बाद दो दिन तक नहीं मिला खाना। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नशे के विरुद्ध बीएसएफ और पुलिस ने की कार्रवाई, दो अलग अलग जगहों से 44 डिब्बों में 11,000 नशीली ट्रामाडोल गोलियां की जब्त, साथ ही चार आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। दौसा के सैंथल थाने के हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या, थाना परिसर में लगाया फांसी का फंदा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। भरतपुर के बयाना में दिखा A1 टीवी की खबर का असर, राजकीय चिकित्सालय की खबर चलाने के बाद अस्पताल प्रशासन आया हरकत में, ओपीडी इंचार्ज और आईपीडी इंचार्ज को किया नोटिस। अलवर के बांसूर निमुचाना गांव में अवैध अतिक्रमण की सूचना पर बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार ने जेसीबी मशीन की सहायता से 10 अवैध दुकानों को कराया ध्वस्त, वहीं कार्रवाई के चलते भूमाफिया मौके से भाग छुटे। कोटा के परकोटे में भीषण गर्मी में पेयजल का संकट, पूर्व पार्षद ने की अधिशासी अभियंता से मुलाकात, कहा क्षेत्र के लोग जूझ रहे पानी की समस्या से आंदोलन की दी चेतावनी। नागौर के रियाबड़ी में अवैध बजरी खनन रुकवाने और गौचर भूमि का सीमांकन करवाने को लेकर ग्रामीण हुए लामबद, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने और क्षेत्र की संपूर्ण गौचर भूमि का सीमांकन करवाने की मांग। दौसा के बांदीकुई में पुलिस की उदासीनता का परिचायक बना सिकंदरा रोड, दिनभर लगने लगा है ट्रैफिक जाम, थाने से महज कुछ दूर पर रोड के दोनों किनारे लोडिंग टेम्पो लगाकर बैठ जाते हैं लोग, तो शहर में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति लगातार जारी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सीटू का मनाया गया 50वां स्थापना दिवस, जिला संयुक्त सचिव जसविंदर सिंह ने किया ध्वजारोहण, मजदूर हितों के एकजुट होने का किया आह्वान। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में टिड्डियों का प्रकोप, टिड्डियों ने दूसरे दिन भी क्षेत्र के कई गांवों में बोला धावा, टिड्डियों के दल से किसानों के साथ साथ प्रशासन भी परेशान। बारा में भी टिड्डी दल की दस्तक, शाहबाद और कस्बा थाना क्षेत्र में बरपाया कहर, संभावित क्षेत्रों में किया दवा का छिड़काव। कोटा में भी टिड्डियों का आतंक, लाखों की संख्या में टिड्डी दल छत पर मंडराती हुई आई नजर, तो वहीं टिड्डियों को भगाने के लिए शहरवासियों ने किए कई जतन, तो वहीं कृषि विभाग की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर स्प्रे कर टिड्डियों का किया खात्मा। टिड्डी दल ने अब अलवर में भी किया प्रवेश, थानागाजी और प्रतापगढ़ के पास के गांव में टिड्डियों का दल आने लगा और किसानों में मच गया हड़कंप, विधायक कांति मीणा सहित जिले के कृषि अधिकारियों ने लिया जायजा। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई पेड़ के गिरने से नहर में आया कटाव, सूचना के बाद नहर को कराया तुरंत दुरुस्त। जैसलमेर में भी टिड्डी दल की दस्तक, सीमा पार से टिड्डी आगमन पर पुलिस और बीएसएफ रख रही पैनी नजर, जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट। सीकर की दाता रामगढ़ में अचानक बदले मौसम से तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बरसात, तेज आंधी के कारण विशालकाय नीम का पेड़ हुआ धराशायी, पेड़ टूटकर गिरने से मंदिर के पास के मकान में हुआ काफी नुकसान। A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।